प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आज के इस कैटेकिज्म क्लास में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से सब खुश और सुरक्षित हैं। आइए पवित्र आत्मा का गाना द्वारा आज का धर्म शिक्षा क्लास में हम प्रवेश करें। हे पावन आत्मा तू आ, 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 मुझे वरदान देने जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे। चैप्टर फोर्थ में हम देखते हैं कि विश्वास के बहादुर साक्षी कौन है। पवित्र बाइबल के प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 12 एक से पाँच तक वचनों में हम पढ़ते हैं राजा हेरोद मसीही विश्वासियों को कैसे अत्याचार करते हैं। प्रभु येसु ने संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 20 में कहा है, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। इस चेतावनी के मुताबिक कलीसिया को आरंभ से ही अत्याचार का सामना करना पड़ा। बहुत प्रेरित शहीद बन गए। प्रथम शहीद स्तेफानुस की शहादत के बारे में प्रेरित चरित अध्याय 6 और 7 में हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। इतिहास के मुताबिक योहन को छोड़कर अन्य सभी प्रेरित शहीद बन गए। रोमी साम्राज्य में सम्राट को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे, लेकिन ईसाई लोग एकमात्र ईश्वर पर विश्वास करते थे। इसकी वजह से रोमी शासकों को मसीही लोगों पर ईर्ष्या था। ईसाइयों का प्रार्थना सभा को शंगा की दृष्टि में वे देखते थे। पवित्र बलिदान में ईसा के शरीर और रक्त ग्रहण करना नरहत्या और नरभोजन का आरोप लगाया। यहूदी धर्म छोड़कर बहुत से लोग ईसाई बने, इसलिए यहूदी ईसाइयों को शत्रु समझते थे और उनका सर्वनाश चाहते थे। इसी प्रकार रोमियों का शत्रुता, यहूदियों की घृणा, यह सब एकजुट होने पर ईसाइयों पर अत्याचार करना आसान हो गया। रोम सम्राट के शासनकाल में रोमी देवताओं की आराधना करने के लिए ईसाइयों को बाध्य किया, लेकिन ईसाई लोग तैयार नहीं हुए, इसलिए वे बुरी तरह सताए गए और अनेकों की हत्या की गई। सभी ईसाइयों को नौकरी से निकाल दिए, पवित्र ग्रंथों और अन्य किताबों की नष्ट कर दिया। सन 313 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के मिलान घोषणा के साथ कलीसिया आज़ाद हो गई। फिर भी इसके बाद भी अनेकों ने विश्वास के प्रति शहादत अपनाई। उत्तरकालीन के एक महान संत संत थॉमस मोर क्रिस्तीय विश्वास एवं कलीसिया की शिक्षाओं की खातिर शहीद हुए और दूसरे संत मैक्सिमिलियन कोल्बे क्रिस्तीय प्रेम के प्रति शहीद हुए। भारत के शहीद हुए संत ब्रिटो सुसमाचार की घोषणा करने तथा ईसाई धर्म का प्रचार करने के कारण शहीद हुए। दूसरा संत देवसहायम पिल्ला क्रिस्तीय विश्वास स्वीकार करने के कारण शहीद हुए। धर्म विरोधी अत्याचारों ने कलीसिया को दुर्बल नहीं बनाया, बल्कि उसे और भी बढ़ाया। शहीदों के विश्वास की दृढ़ता एवं पीड़ाओं में उनकी बहादुरी देखकर अनेक लोग क्रिस्तीय विश्वास की ओर आकर्षित हुए। उन पर अत्याचार करने वालों ने भी खुद को ईसाई घोषित कर मृत्यु अपनाई। शहीदों की पवित्र लहू से सनी हुई मिट्टी में कलीसिया मजबूत हो गई।
हम भी ईसा के बताए गए प्रेम और क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए त्याग और बहादुरी की आवश्यकता है। हाँ बच्चों, हमें भी ईसा के बताए गए प्रेम और क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए त्याग और बहादुरी की आवश्यकता है। सेवा के जो अवसर हमें मिलते हैं उन्हें त्याग के मनोभाव से स्वीकार करते हुए विश्वास जीवन में हम भी शहीदों की बहादुरी अर्पित करें। अभी हम चैप्टर 5 की ओर जाएं। चैप्टर का नाम है विश्वास के संरक्षक। कलीसिया में ईसाई विश्वास को संरक्षण दिए वाले बहुत हैं, क्योंकि कलीसिया को एक ऐसे समय से गुजरना पड़ा जहां कलीसिया के विरुद्ध शिक्षा देते थे। अभी हम विच्छेद एवं पाखंड के बारे में देखते हैं। क्या आप जानते हैं विच्छेद एवं पाखंड क्या है? विच्छेद मतलब कलीसिया से एकता ना रखकर उससे अलग रहने को कहलाते हैं। ऐसे सिद्धांतों को पाखंड कहते हैं जो क्रिस्तीय विश्वास के विरुद्ध है। पाखंड का आरंभ विश्वास संबंधी बातों में भिन्नता के कारण हुआ। मुख्य पाखंडों का आरंभ पवित्र त्रित्व, पुत्र ईश्वर एवं पवित्र आत्मा से विश्वास संबंधित था। अभी हम विच्छेद एवं पाखंड के बारे में देखते हैं। क्या आप जानते हैं विच्छेद एवं पाखंड क्या है? कलीसिया से एकता ना रखकर उससे अलग रहने को विच्छेद कहलाते हैं। ऐसे सिद्धांतों को पाखंड कहते हैं जो क्रिस्तीय विश्वास के विरुद्ध है। पाखंड का आरंभ विश्वास संबंधी बातों में भिन्नता के कारण हुआ। मुख्य पाखंडों का आरंभ पवित्र त्रित्व, पुत्र ईश्वर एवं पवित्र आत्मा से विश्वास संबंधित था। इसके अलावा अनेक पाखंड जैसे आर्यनिज्म, एक स्वभाववाद कलीसिया में उदय हुआ और कलीसिया को समय समय पर सच्चे विश्वास की परिभाषा देने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अभी हम देखते हैं कलीसिया की धर्माचार्य कौन है, विश्वास अक्षुण रखने में उनका भूमिका क्या है। उन क्रिस्तीय ग्रंथकारों को प्रेरित धर्माचार्य कहते हैं जो पहली और दूसरी सदी के पूर्वार्ध में रहते थे। इन्होंने प्रेरितों की शिक्षा बिना मिलावट के ग्रहण की थी, इसी कारण वे प्रेरित धर्माचार्यों के नाम से जाने जाते हैं। रोम के सम्राट के क्लेमेंट, संत बर्नबास, संत इग्नेशियस, पॉलीकार्प, पपियास, ये सब प्रेरित धर्माचार्यों हैं। अभी हम देखते हैं कलीसिया के धर्माचार्य का मतलब। उन संतों को कलीसिया के धर्माचार्य कहते हैं जो पहली 7 सदियों में कलीसिया में आधिकारिक शिक्षा दी है और जिन्हें कलीसिया ने आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। संत अथनेशियस ने आर्यनिज्म पाखंड का विरुद्ध किया, निक्या धर्मसार की घोषणा की, पवित्र ग्रंथ की व्याख्याएं तथा विश्वास की सुरक्षा संबंधी एवं सिद्धांतिक ग्रंथों की रचना की। संत बेसिल ने निक्या महासभा के सिद्धांतों का प्रचार करने तथा आर्यनिज्म और सबेलिनिज्म का विरुद्ध किया। संत क्रिसोस्तोम विश्वास के रहस्यों की सरल रूप से व्याख्या करने में निपुण थे। संत अगस्तीन ने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों की रचना की है, उनमें पाप स्वीकार और ईश्वर का नगर प्रमुख है। अभी हम संत अप्रेम के जीवन पर नजर डालते हैं। उनका जन्म सीरिया के निसिबिस में हुआ। पवित्र ग्रंथ की पढ़ाई करने, लोगों की शिक्षा देने तथा ग्रंथों की रचना करने में वे उत्सुक थे। सुंदर काव्यों और कीर्तनों के जरिए ईश्वरीय सत्यों के गुप्त रहस्यों की सरल रीति से वे प्रस्तुत करते थे और वे पवित्र आत्मा की वीणा के नाम से जाने जाते हैं। चैप्टर 6 में हम उन लोगों के बारे में देखते हैं जिन्होंने वचन के अनुसार जीवन बिताया।
सबसे पहले हम देखते हैं ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने में मरियम की मिसाल क्या है। जिस पल माता मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपके कतन मुझ में पूरा हो जाए, तब से वचन उनमें निवास करने लगे। उस वचन को शरीर दिया और वचन यानी ईसा को जन्म दिया और पालन पोषण किया। मरियम ने क्रूस के नीचे भी ईश्वर की इच्छा को स्वयं समर्पित किया और ईसा की मृत्यु के बाद शिष्यों के साथ रहकर वचन के साक्षी बनने के लिए उन्हें तैयार किया। प्रेरित गण और धर्माचार्य गण किस प्रकार वचन को साक्षी दिया? शिष्यों ने उस वचन की घोषणा की जो आदि से विद्यमान था, जिसे उन्होंने सुना था, देखा था, अपने हाथ से स्पर्श किया था, और ईश्वर की जनता को वचन के अनुसार जीने के लिए सहायता की। जब भी कलीसिया में विश्वास के विरुद्ध मुसीबतें उठी, उन्होंने ईश वचन की तलवार से लड़ाई की और उस वचन के प्रति पीड़ाएं सहकर बहुतों ने शहीद बन गए। संत जनों के जीवन के बारे में एक झलक देखें। संत वे लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के वचन के अनुसार विरोचित जीवन बिताया। उनके जीवन हमें भी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। संत पौलुस के अनुसार जो भी बपतिस्मा ग्रहण किए हैं वे सब संत हैं। हम जानते हैं कि संस्कारों के अनुष्ठान, ईश्वर के वचन की शिक्षा एवं मेषपालीय शुश्रूषाओं द्वारा कलीसिया की संतानों को पवित्रात्मा के मार्ग पर ले चलने के लिए नियुक्त है धर्माध्यक्ष और पुरोहित। संत जॉन मरिया वियानी पुरोहितों के प्रेरदायी कार्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। ब्रह्मचर्य, निर्धनता और आज्ञा पालन, इन सुसमाचारी सद्गुणों का विशेष रूप से पालन करने के लिए पवित्रात्मा से प्रेरित होकर व्रत लेने वाले हैं समर्पित लोग। समर्पित जीवन का सबसे बुनियादी नियम है सुसमाचार के ईसा का अनुकरण करना। ज्ञान स्नान द्वारा हर एक विश्वासी को प्रेरित कार्य करने फर्ज एवं अधिकार मिलता है। अपने सभी कार्यों द्वारा आत्मिक बलि चढ़ाने तथा सारी दुनिया में ईसा के साक्षी बनने के लिए वे बुलाए गए हैं। हम भी ईश वचन को पढ़े, मनन चिंतन करें और उसके अनुसार जीवन बिताए, ताकि हम ईश्वर के सच्चे साक्षी बने। आपके होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप किताब से उसका उत्तर ढूंढिए और कैटेकिज्म कॉपी में उसका उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, प्रेरितों की शहादत पर एक छोटा सा विवरण तैयार कीजिए। दूसरा, धर्म विरोधी अत्याचार ने कलीसिया को दुर्बल नहीं किया बल्कि उसे आगे बढ़ाया, उसका कारण क्या है? तीसरा, विच्छेद और पाखंड में क्या अंतर है? चौदह, संत अप्रेम के बारे में एक छोटा सा विवरण लिखिए। पांचवा, ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने में मरियम की मिसाल क्या है? छठवा, प्रेरित गण और धर्माचार्य गण किस प्रकार वचन के साक्षी बने? आइए बच्चों, हम धन्यवाद के एक गाना गाते हुए आज का क्लास समाप्त करें। तुझे धन्यवाद प्रभुजी।